आईपीएल 2019 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला मैच नंबर 50 खेला जाना है दिल्ली कैपिटल वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। जब ये दोनों टीमें आईपीएल 2019 में पहली बार आमने सामने हुई थी तो वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल को उन्हीं के घर में हरा दिया था। लेकिन अब इस समय दोनों टीमें आईपीएल 2019 में क्वालिफाई कर चुकी हैं और अब इन दोनों टीमों के बीच रेस है नंबर वन को हासिल करने की, यानी कि जो टीम ये मुकाबला जीतेगी वो नंबर वन पर काबिज हो जाएगी। तो बात कर रहे थे इस वीडियो में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की और साथ ही बात करेंगे इस मैच की मैच प्रेडिक्शन की, कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं होम टीम चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की। तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग कर सकते हैं यहाँ पर फेफ डुप्लेसी और उनके साथ उतर सकते हैं शेन वॉटसन। दोनों बल्लेबाजों ने इस आईपीएल 2019 में शानदार फॉर्म दिखाई है और उम्मीद है कि एक बार फिर वो शानदार फॉर्म दिखाएंगे आईपीएल 2019 में दोनों बल्लेबाज। वहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्मीद शेन वॉटसन से होगी क्योंकि उन्होंने अब तक सिर्फ एक मुकाबले में ही शानदार पारी खेली है। इसके बाद बात करें नंबर 3 की सुरेश रैना, नंबर 4 पर एमएस धोनी, नंबर 5 पर अंबाती रायडू और नंबर 6 पर उतरने वाले हैं केदार जाधव। यहाँ पर इस टीम के लिए मिडिल ऑर्डर काफ़ी समस्या में रहा। इस समय महेंद्र सिंह धोनी के अलावा ज़्यादा बल्लेबाजी में फॉर्म दिखाई नहीं किसी भी बल्लेबाज ने और उम्मीद है यहाँ की यहाँ पर बदलाव भी हो सकते हैं। हालांकि ध्रुव सौर्य को किसी एक केदार जाधव या फिर अंबाती रायडू की जगह पर मौका दिया जा सकता है इस टीम में क्योंकि मिडिल ऑर्डर अब तक नाकाम रहा है। वहीं पर बात करें नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, 8 पर डीजे ब्रावो, 9 पर दीपक चहर और 10 पर इमरान ताहिर और नंबर 11 पर उतरने वाले हैं हरभजन सिंह। यहां पर टीम में सिर्फ एक ही बदलाव और हो सकता है जहां पर मिचेल सेंटनर को मौका दिया जा सकता है किसी एक विदेशी बल्लेबाज को कम करके, यानी कि शेन वॉटसन और फेफ डुप्लेसी में से किसी एक को आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह पर यहाँ पर खिलाया जा सकता है मिचेल सेंटनर को। बाकी गेंदबाज शानदार फॉर्म में है, इमरान ताहिर, हरभजन सिंह और दीपक चहर इस समय शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। वहीं पर आप बात कर लेते हैं हम दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की। तो दिल्ली कैपिटल की तरफ से ओपनिंग में उतरने वाले हैं इस समय शिखर धवन और शिखर धवन के साथ उतरेंगे पृथ्वी शो। इस समय पृथ्वी शो ने ज़्यादा बड़ी पारियां तो नहीं खेली, एक मुकाबले के अलावा उन्होंने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन वो इस समय शानदार फॉर्म में लौट सकते हैं। वहीं पर शिखर धवन ने आईपीएल 2019 में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और इस समय वो गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। काफ़ी मैचों में इन्होंने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और एक बार फिर यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर सरयास अय्यर, 4 पर ऋषभ पंत, 5 पर कोलिन इंग्रान और 6 पर अक्षर पटेल। यहाँ पर भी सभी बल्लेबाज शानदार फॉर्म में, ऋषभ पंत को उम्मीद होगी कि वो यहाँ पर शानदार बड़ी पारी खेल के दिखाएं। वहीं पर इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं अक्षर पटेल, सरयास अय्यर और उनके साथ साथ कोलिन इंग्राम भी। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाएंगे ये बल्लेबाज और यहाँ पर टीम को एक शानदार जीत दिला सकते हैं। वहीं पर इसके बाद बात करें नंबर 7 की, तो यहाँ पर आते हैं रदरफोर्ड, 8 पर अमित मिश्रा, 9 पर संदीप लामिचाने, 10 पर कंगिसो रबाड़ा और 11 पर ईशांत शर्मा। इस टीम के पास गेंदबाजी भी काफ़ी शानदार है और इस समय रदरफोर्ड शानदार बल्लेबाजी भी कर सकते हैं इस टीम के लिए। वहीं पर अमित मिश्रा, ईशांत शर्मा से शानदार गेंदबाजी की उम्मीद होगी क्योंकि इनका अनुभव यहाँ पर काम आ सकता है। वहीं पर इनके साथ साथ गेंदबाजी में यहाँ पर इनके साथ हैं संदीप लामिचाने जो कि काफ़ी शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं इस टीम के लिए। वहीं पर दोस्तों अब कर लेते हैं इस मैच की प्रेडिक्शन की, कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो सबसे पहले बात करें होम ग्राउंड की, तो होम ग्राउंड होने वाला है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का और चेन्नई सुपर किंग्स इस मैदान में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करती है। अब तक वो खेले 19 मैचों में से सिर्फ 2 मुकाबले हारे हैं इस मैदान पर, तो यहाँ पर काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन दिल्ली कैपिटल इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है और आईपीएल 2019 में उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा, तो वो किसी भी टीम को हरा सकती है। लेकिन इस मुकाबले के लिए मेरी प्रेडिक्शन यह है कि यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में बाजी मार जाएगी और चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला जीतने वाली है। आपकी प्रेडिक्शन क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।